Good morning, all of you. How are you? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में. सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं. सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. जिसे किसी संज्ञा तो जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना. जिसे राम श्याम गीता है ना इत्यादि शब्द जिससे आए, किसी का नाम प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा होते हैं. उनके स्थान पे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं. सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के भेद हैं 6 यानी कि 6. सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक. पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना. इसके नाम से ही पता चलता है कि पुरुष, पुरुष मतलब क्या होता है ना. तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष हमेशा अपने लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे उत्तम पुरुष, मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या है, मैं शब्द उत्तम पुरुष है. उत्तम पुरुष हमेशा अपने लिए प्रयोग किया जाता है. मध्यम पुरुष, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हैं इत्यादि शब्द. जैसे कि आप और तुम शब्द क्या होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है. क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है. अन्य पुरुष, जब हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है बच्चों, जब हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, अन्य पुरुष कहलाता है. अब याद रखने वाली बात यह है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष. अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है. कोई वस्तु को हम जाने के निश्चय है, ये निश्चित है ये चीज, तब वहां पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है. सपोज दैट, जिससे मैंने बोला यह घर मेरा है, तो यहाँ पे जो यह शब्द आया तो वो प्रकट करता है कि यह घर मेरा है, यानी कि जो घर है वो मेरा है. निश्चित है ये बात कि ये घर मेरा है. और यही शब्द आए अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो तो वे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. ठीक है, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे कि वह घर किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि वह घर किसका है, यहां पता नहीं कि वह घर किसका है. ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा. संबंधवाचक सर्वनाम, जब दो चीजों का संबंध प्रकट होता है वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है. वे दो शब्द जो आपस में संबंध प्रकट करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, है ना, जब, तब इत्यादि शब्द अगर आते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं. प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे शब्द जिससे हम कोई चीज प्रश्न करते हैं, किसी चीज को जानने के लिए जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने वाले जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे कौन, कैसा, क्या, कितना, क्यों इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम हमेशा अपने लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे खाना मैंने स्वयं बनाया, मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया, है ना.
तो ये इस तरह के जब जो अपने द्वारा कोई कार्य किया गया, जो मैंने खुद से किया या खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आज जो भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।